जो रीजन है चेन में आवाज आने का वो है चेन का बहुत ज्यादा लूज हो जाना। होता क्या है कि जब चेन बहुत ज्यादा लूज हो तो स्प्रॉकेट जब आगे ऐसे चलता है तो ये यहाँ से ऐसे खींचता है और यहाँ पर इसको ढीला छोड़ देता है। उस केस में नीचे प्लास्टिक वाला जो पार्ट है जो यहाँ लगता है, जो मैंने हटा रखा है इस वीडियो को बनाने के लिए, उस पर कॉन्स्टेंटली अड़ते हुए चलती है। जब हमने बहुत दिनों से चेन को टाइट नहीं करवाया होता है तो लूज हो जाती है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अगर लिमिट खत्म हो गई इस जगह पे तब भी चेन बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, आप टाइट ही नहीं कर सकते उसको आगे। तो इसका मतलब आपकी चेन जो है पूरी तरीके से वेयर आउट हो गई है, उसको कराना है चेंज। यहाँ वाली जो अड़ती हुई साउंड आएगी उसको देख के आप पहचान सकते हो, ये देखो कोई बहुत ज्यादा लूज ये नहीं है।